जय श्री कृष्णा। कुछ मीठा खाने का मन हो तो हमें रसगुल्ले, गुलाब जामुन, सब कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। ऐसे हम बेसन और मावा की बर्फी घर पे फटाफट बना सकते हैं, जो कि बनाने में आसान है और खाने में लाजवाब है, बहुत टेस्टी बन जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 100 ग्राम बेसन लिया है। इसके लिए मैंने 80 ग्राम घी लिया है। 80 ग्राम ही मैं इसमें मावा डालूंगी, जो कि मैंने अपने मलाई से निकाल के घर पे ही बना रखा है, और ये हमारा भुना हुआ तैयार है। इसे हमें भूनने की अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 80 ग्राम मैंने पिसी हुई चीनी ली है। 1 टेबल स्पून भर के ये खरबूजे के बीज लिए हैं। 3-4 छोटी इलायची का ये मैंने बिल्कुल पाउडर बना लिया है। 8 काजू मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक काट लिए हैं, और ये 4-5 पिस्ता बारीक बारीक काट के ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इन खरबूजे के बीजों को कढ़ाई में डाल के हल्का सा भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। गैस पे कढ़ाई रख दी है, और इस पे मैं ये बीज डाल के हल्के से भून लेंगे। बस इनको हमें थोड़ी सी देर ही भूनना है। थोड़ी सी देर चलाते ही इनके अंदर से ना आवाज़ें आने लगेंगी पट पट की, और ये इसका मतलब हमारे बीज भुन गए हैं। ये 30 सेकंड हुए हैं और हमारे बीज भुन गए हैं। इनमें से पट पट की आवाज़ आने लग गई और ये फूल भी गए हैं। गैस बंद कर देंगे और इनको हम एक प्लेट में निकाल लें। जरा सा घी डाल के हम इन काजू को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। थोड़े से काजू थे, आधा मिनट में ही हमारे काजू भी रोस्ट हो गए हैं। गैस बंद कर देंगे और इनको भी प्लेट में निकाल लें। कढ़ाई में हम उसी कढ़ाई में घी डाल देंगे और साथ के साथ अपना ये बेसन डाल देंगे। धीरे, बिल्कुल स्लो गैस पे हिलाते हुए हम बेसन को भूनेंगे। ये सारा घी पिघल गया है और हमारा बेसन भुनना शुरू हो गया है। अभी जरा सी देर में ये घी छोड़ देगा और पतला पतला सा हो जाएगा। अगर घी छोड़ के ये बेसन पतला सा ना हुआ तो हम इसमें 1 छोटी चम्मच घी और डाल लेंगे, क्योंकि सख्त सख्त बेसन ऐसे जो होगा तो वो भूनना मुश्किल होता है। ये घी हमारा कम है, इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। अभी हमने 1 चम्मच बड़ा घी का और डाल दिया है। 1 बड़ा चम्मच घी का डलते ही अब ये घी हमारा इसमें बेसन में ठीक हो गया है। अब ये बेसन हमारा बड़े आराम से भुनेगा और अच्छे से भुनेगा। जब तक ब्राउन नहीं हो जाता हम इसको भूनते रहेंगे। स्लो गैस पे चलाते हुए हमें 3 मिनट हो गई हैं। अभी बेसन हमारा अच्छे से भुना नहीं है, अभी हमें इसको और भूनना होगा। बेसन को भूनते हुए हमें और 1 मिनट हो गई है, 1.25 मिनट हो गई है। अब ये बेसन हमारा भुनने लगा है, तो अब हम इस बेसन को थोड़ा दानेदार बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर हमारा बेसन हमारा मोटा है तब तो ठीक है, नहीं तो पतला बेसन है या मोटा बेसन है तब भी हम इसको और दानेदार बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें थोड़े से पानी के छींटे लगा देंगे। पानी के छींटे लगने से थोड़े से ये ऐसे फूलना शुरू हो जाएगा और इसके अलग अलग से दाने बन जाएंगे, और जब तक ये बुलबुले शांत नहीं हो जाते हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। बेसन लगभग हमारा भून चुका है, ये जब तक बुलबुले हैं हम इसको और चलाएंगे। ये बेसन में से सिकने की खुशबू भी आ गई है और ये हल्का हल्का सा हमारा ब्राउन भी हो गया है, बादामी सा कलर ले लिया इसने। अभी इसमें हमारे थोड़े थोड़े बुलबुले से हैं, अभी ये शांत हो जाएंगे और हम गैस बंद कर देंगे फिर, क्योंकि उस पानी को तो हमें सुखाना ही है जो पानी हमने डाला है। 1 मिनट लगी हमें उस पानी को सुखाते हुए। ये बेसन हमारा भुन के तैयार हो गया है। गैस हम बंद कर देंगे और कढ़ाई में से बेसन को या तो हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे या इसको पानी के बर्तन में नीचे से रख के ठंडा कर लेंगे, नहीं तो हमारा ये बेसन ज़्यादा सिक जाएगा। हमने कढ़ाई को पानी में रख के बेसन अपना ठंडा कर लिया है। अब ये बस हाथ को जरा जरा सा निवाया लग रहा है, ऐसा है। तो अब हम इसमें अपना ये इलायची पाउडर डाल देंगे। ये जो ड्राई फ्रूट हमने भून के रखे हैं ये डाल देंगे, थोड़े से ऊपर बर्फी के लगाने के लिए ये हम बचा लेंगे।
ये पिस्ता डाल देंगे और इसको मिला देंगे ड्राई फ्रूट को। मावा भी हमारा भुना हुआ है, हम उस मावे को भी इसमें डाल के अच्छे से मैश कर लेंगे। भुना हुआ मावा है ये हमारा, घर निकला था तो हमने साथ के साथ भून लिया था। अब इसको भी हम अच्छे से इसमें मैश कर लेंगे। ये अच्छे से सारी चीज़ें मिल गई हैं और ये हमारा मिश्रण बिल्कुल हाथ को निवाया निवाया सा लग रहा है। बस ज़्यादा गर्म लगेगा तो ये जो हम चीनी डालेंगे, पिसी हुई चीनी हमारे पास खांड, ये पानी छोड़ देगी और बर्फ़ी के जमने में मुश्किल होएगी। अब हम ये सारी इसके अंदर अपनी बूरा भी डाल देंगे। आप चाहे तो बूरा डाल सकते हैं, चाहे तो खांड डाल सकते हैं। मैंने ये देसी खांड लिया है और अब हम इनको अच्छे से मिला के आप चाहे तो इनको हाथ से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं मावा और बेसन को। ये ऐसे अच्छे से मैश करके हम इसको एक थाली में जमा देंगे। इस थाली को हमने ग्रीस कर लिया है, घी लगा लिया है और इसमें हम अपना ये सारा मिक्सचर डाल देंगे बर्फी का। और इसको हम अच्छे से दबा दबा के जमा देंगे बर्फी की तरह। से भी कर सकते हैं हम ऐसे, बिल्कुल स्मूथ कर देंगे इसको हम ऊपर से। अब इसके ऊपर हम अपने ये थोड़े से जो हमने ड्राई फ्रूट बचा लिए थे, खरबूजे के बीज, काजू और ये पिस्ता, इन सबको डाल देंगे। इन बीजों को भी हमने इससे अपना थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा दिया है और 2 घंटे के बाद देखते हैं अब हमारी ये बर्फी बिल्कुल कटने वाली हो जाएगी। 1.5 घंटा हो गया है हमें इस बर्फी को जमाए हुए, ये हमारी बिल्कुल सख्त हो गई है। अब हम इसको चाकू की मदद से काट लेंगे। जितने बड़े पीस आपको काटने हो आप उतने बड़े पीस इसके बना सकते हैं। ये हमने सारी बर्फियों को काट लिया है। अब हम इसको एक बार जरा सी देर नीचे से गैस पे गरम करेंगे। बस हमने जरा सा गैस पे इसको सेक लगाया है और अब ये हमारी बर्फी बड़े आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बर्फी का पीस आराम से निकल आया, ये पीस भी हमारा आराम से निकल रहा है, ये देखिए। इसी तरह से हम अपनी सारी बर्फियाँ निकाल के प्लेट में लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी सब बर्फी बड़े आराम से निकलती जा रही हैं और टूटी भी नहीं है, ये देखिए। इनको हम एक प्लेट में लगा लेंगे। ये हमारी टेस्टी मावा और बेसन की बर्फी बनके तैयार हो गई हैं। खाने में बड़ी टेस्टी है और बिल्कुल नरम है, ये देखिए, हाथ से बिल्कुल आराम से ऐसे ये टूट रही है, मुंह में डालते घुलने वाली बनी है। तो आपको अगर ये बेसन मावा की बर्फी का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।